आज हम लोग कर रहे हैं आईकू नियो 7 प्रो 90 FPS वर्सेस OnePlus 11R 90 FPS। इन दोनों फोन में से किस में ज्यादा अच्छा 90 FPS मिलता है, प्लस बैटरी किसके अंदर ज्यादा गिरेगी 90 FPS में, और कौन ज्यादा कम चलाएगा वो पता करने वाले। तो सबसे पहले दोनों फोन के अंदर सेम स्पेसिफिकेशन वगैरह देखोगे तो प्रोसेसर सेम आता है, स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1, बट आईकू नियो 7 प्रो आपको समवेयर 33,000 के नियर बाय मिलता है, OnePlus 11R वहीं आपको 40,000 कॉस्ट करता है। तो यहाँ पर दोनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन होगा। दोनों के अंदर हम लोग 45 मिनट की गेमिंग करेंगे, जिसमें टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ, कितनी बैटरी ड्रॉप हुई, वो यहाँ पर हम लोग फिगर आउट करने वाले। तो सबसे पहले लेते हैं आईकू नियो 7 प्रो को, जिस पर हमको स्मूथ पर 90 FPS रखना है, और फोन का टेम्परेचर अभी फिलहाल 33 डिग्री के आसपास है, और फोन के अंदर 100% की बैटरी अवेलेबल है। तो देखो, इसके अंदर हम लोग ने इरांगल वगैरह खेल के देखा है, और ओवरऑल अगर मैं आपको आईकू नियो 7 प्रो का ऐसे वर्डिक की तरह समझाऊं, तो एक एट द एंड ये फोन कैसा है कि 70 तक के बीच में FPS में फ्लक्चुएशन दे देता है अगर एनिमी अगर आसपास में आ जाते हैं, और कभी कभी तो लाइक मैंने इस पे ना एक डिप देखा है वो 57 तक का भी निकल कर आया। तो इतना है, लैंड होने के बाद में एनिमी के आसपास आने के बाद में कभी कभार ये फ्लक्चुएशन अच्छी कभी कभार क्या अच्छे खासी तरीके से फ्लक्चुएशन कर सकता है, जिस पर मैंने इस पे मॉन्स्टर मोड आता है वही लगा के खेला है, FPS भी आपको देखने मिल रहे हैं। तो कहां पर ऊपर गया कहां पर नीचे गया वो तो आपको पूरा एंड ऑफ द डे आइडिया मिल ही जाएगा, बट इतना है कि 33,000-35,000 के अंदर आपको अच्छा 90 FPS का एक्सपीरियंस तो नहीं मैं कहूंगा, ओवरऑल ठीक ठाक वाला बातचीत हो जाएगा। 60 में बहुत अच्छा है, बट 90 में फ्लक्चुएशन जरूर है। चल बेटिया, चल तो भाई यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट 45 मिनट कंप्लीट हो चुका है गेमिंग करते करते। फोन के अंदर जो अभी टेम्परेचर बना है ना वो है 37 डिग्री मैक्सिमम देख रहा हूँ मैं, उससे ज्यादा गया नहीं है। बाकी 5000 mAh की बैटरी दोनों फोन के अंदर आती है। बाकी इसमें बैटरी कितनी गिरी है वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगा OnePlus 11R के साथ में कंपैरिजन करते हुए। तो हमारा नेक्स्ट फोन है अभी OnePlus 11R, इसमें भी सेम हमने स्मूथ 90 रख लिया, और जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री के मैक्सिमम देखने मिल रहा है मुझे अभी, और जो इस पे बैटरी अभी OnePlus 11R पे वो है 81% की। तो यहाँ पर हम लोग गेम प्ले चालू कर लेते हैं, और आपको FPS के साथ में चीजें तो वैसे देखने मिल जाएगी, देखो कहां पर लैंड हुआ कहां पर ड्रॉप हो रहा है वो सब आपको साइड बाय साइड वैसे देखने मिल जाएगा। बट आपको एक कंक्लूजन दे देता हूं कि कैसा है कि लैंड होने के टाइम पे कभी कभी मैंने इस पे 69-70 ऐसे FPS के फ्लक्चुएशन देखे, पर लैंड होने के बाद में ये लाइक थोड़े से FPS को अप कर लेता है, 77-86 तक भी मोस्ट ऑफ खींच लेता है, और 90 FPS अगर TDM का बोलूंगा ना दोनों फोन अच्छी तरीके से चला देते हैं। हां फ्लक्चुएशन जरूर होंगे, ऐसा कोई कांस्टेंट नहीं आने वाला है, इतना समझ के चल लो 60 एक बार कांस्टेंट मिल जाएंगे। तो इरांगल पर मैंने और भी जो मैक्सिमम ड्रॉप देखा है वो आप समझ के चल सकते हो, 11R पर वो 75-70 तक निकल कर आता है, बाकी नॉर्मली जब अगर एनिमीज अगर नहीं हो क्लीन चल रहा हो तो 85-89 तक भी टच हुआ है, जो मैं कहूंगा आईकू नियो 7 प्रो से भी बेटर है, क्योंकि 89 इसने टच तो करा, नियो 7 प्रो उतना टच नहीं कर पा रहा है। लेकिन इतना है कि स्टेबिलिटी जो रहती है ना ज्यादा टाइम वो हमको नियो 7 प्रो के टाइम पे देखने मिलती है, OnePlus 11R पे वो थोड़ी सी कम आती है, और जब एनिमीज आते हैं तो यहाँ पर भी मैंने फ्लक्चुएशन जरूर देखा है 76-89 के आसपास।
तो अभी हमको 45 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं खेलते खेलते। अभी यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे ना तो फोन का जो टेम्परेचर बना है, जो मैक्सिमम अभी तक मैं देख रहा हूँ, 38 डिग्री है, जो 1 डिग्री ज्यादा है नियो 7 प्रो से। और नियो 7 प्रो के अंदर जब मैंने गेमिंग स्टार्ट करी थी तो वहां पर बैटरी थी 100%, और जब मैंने 45 मिनट के बाद में चेक किया था तो 75% पर बैटरी आ गई, यानी कि 25% का ड्रॉप हुआ। और जब मैंने OnePlus 11R पे गेमिंग चालू करी थी तब उसमें थी 85% बैटरी, और जो 45 मिनट के बाद में आ गई 65% पर, यानी कि 20% का ड्रॉप। यहाँ पर 5% का एक्स्ट्रा बैटरी ड्रॉप हुआ नियो 7 प्रो में। तो एट दी एंड अगर बताऊं कौन अच्छा है कौन बुरा है, देखो इसका फैसला इतना बोलूंगा कि दोनों की ब्रांड वैल्यू अच्छी है, जितना मैं समझ रहा हूँ। OnePlus 11R की ब्रांड वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा अच्छी निकल कर आती है, लेकिन 40,000 मांगेगा, बट वहीं आपको कम दाम में 33,000 के आसपास में थोड़ा सा और बेटर, मतलब कहूंगा FPS के साथ में जो गेम प्ले करवा देता है वो आइकू नियो 7 प्रो था। और 11R के अंदर भी इतने मुझे ना थोड़े से मैं कहूंगा ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने मिले थे। तो एट दी एंड यहाँ पर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपके हिसाब से कौन विनर है, आइकू नियो 7 प्रो या फिर OnePlus 11R, वो आप लोग मुझे कॉमेंट में जरूर बताओगे। और आप लोग अगर आइकू नियो 7 प्रो वर्सेज आईफोन 15 प्रो मैक्स ऐसा कुछ गेमिंग कंपेरिजन देखना चाहते हो तो इस वीडियो पे 5,000 का लाइक का टारगेट है वो कंप्लीट कर देना, जैसे हो जाएगा वीडियो आप लोग के लिए तुरंत आ जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन कॉमेंट के अंदर एड ऑन कर दूंगा। बाकी अगर आप कोई और वीडियो देखना चाहते हो तो वो टॉपिक भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कॉमेंट के अंदर, हम लोग आपके लिए वो वीडियो लेकर आ जाएंगे। बाकी आप लोगों को इस चैनल को बनाना है इंडिया का बेस्ट गेमिंग चैनल तो उसके लिए सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस में, अभी के लिए टेक केयर, बाय।